हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन जहां हम पढ़ने वाले हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब आखिर क्या होता है ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्यों ऐसा दिख रहा है हमको कि भाई यहाँ पर ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, पता है कौन है ये? इसका नाम डेविड है। एंड ये डेविड क्यों एक एक बबल के अंदर है? चलो लेट्स सी दिस इन डिटेल। बट बिफोर दैट, ओके, बिफोर लुकिंग दिस इन डिटेल, लेट मी टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज हम और आप मिले हैं एक चैनल पे, और इस चैनल का नाम है वेदांत नीट मेड इजी। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट कर लो और नोटिफिकेशन को टर्न कर लो ऑल पे, एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलते रहे एकदम ताजा ताजा। चलो अब वेदांतु लेके आ रहा है नीट 2021 के प्रिपरेशन के लिए एकदम रपा रप, एकदम फटाफट और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए क्रैश कोर्स, जहां हम फुल स्पीड के साथ, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आपका नीट का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है? द क्रैश कोर्स फीस इज 10,000 रुपीज, बट अगर आप एक कूपन कोड यूज कर रहे हो, दैट इज BMCC, इफ यू आर यूजिंग दिस एज द कूपन कोड, तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट, पूरे 30%, एंड योर फीस विल बी 7,000 रुपीज ओनली। अब सवाल ये था कि भाई मुझे ऐसा क्या मिलेगा कि मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करूं, तो भाई आंसर भी दे देती हूं मैं, है ना? आपको पूरा नीट का सिलेबस कवर करके मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड बोथ, ठीक है? और वो भी किससे? तो हमने बोला इंडिया के बेस्ट टीचर्स से, सिंपल। नेक्स्ट 8 AM to 11 PM तक अगर सेशन नहीं है फिर भी आप डाउट्स पूछ सकते हो ऑन वेदांतुज लाइव लर्निंग ऐप पे डाउट एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट आपको अगर समझो पूरा हमारा जो सेशन चल रहा है ड्यूरिंग द नीट क्रैश कोर्स वाला पार्ट, उसमें जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते हैं वैसे यूनिट वाइज दो दो यूनिट तीन तीन यूनिट के पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, और एक बार पूरा सिलेबस हो गया उसके बाद हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा, वो भी 10। सो जबरदस्त बात यह है कि 10 फुल सिलेबस टेस्ट है एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है। इसके साथ साथ यू विल हैव अमेजिंग सेशंस, मतलब आप अगर मेरे लाइव सेशन में आते हो आप देख लो कितना मजा आता है यूट्यूब पे, उससे कई गुना ज्यादा मजा आता है वेदांतुज ऐप। पता है क्यों? रीजन, एक तो वहां पर से वही बच्चे आएंगे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कोई भी एरा गैरा कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने। दूसरी चीज, वो एक टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जैसे मतलब आपको ऐसा फील होगा कि भाई ऑफलाइन ही है, टीचर सामने बैठी है, क्योंकि इट्स लाइक अ वीडियो कॉल, नो, यू कैन सी द टीचर, टीचर कैन सी यू, यू कैन टॉक टू टीचर, टीचर कैन टॉक टू यू, सो इट्स अ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। अगर आपको डाउट आया, समझो मुझे लिखने नहीं जम रहा, क्या डाउट है, या मैं नहीं कन्वे कर पा रही हूँ एज अ स्टूडेंट, तो मैं टीचर को बोलूंगी प्लीज अनम्यूट मी, टीचर विल अनम्यूट एंड मैं बात करके बता दूंगी कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल एज दैट। एंड याद कर लो, याद नहीं लिख के ले लो भाई, एक भी ऐसा सेशन नहीं होगा जहां बोलोगे भाई टीचर में मजा नहीं था, बिकॉज वी हैव द बेस्ट विद अस। एंड हाउ डू आई से दिस, मतलब इतना प्राउड क्यों फील कर रही हूँ मैं वेदांतु के बारे में? बिकॉज दिस इज द रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूस। भाई ये रिजल्ट ऐसे किसी भी एरे गहरे टीचर से थोड़ी आते हैं, बेस्ट रिजल्ट है भाई तो बेस्ट टीचर्स ही होंगे, सिंपल, ठीक है? सो इफ यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ योर एज नीट रिजल्ट 2021, एनरोल फॉर द क्रैश कोर्स नाउ, ठीक है? ताकि आप भी अपने मनचाहा कॉलेज में एडमिशन ले सके। यस, बी अ प्राउड वेदन। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम स्किड के बारे में बात करने, व्हाट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो हमने बोला सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रहेगा तो वो होगा एक ऐसा टाइप का डिजीज जो स्विस टाइप और गैमा ग्लोबुलिनेमिया बोलते हैं, मतलब ए एब्सेंट गैमा, ठीक है? मतलब IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा इज एब्सेंट इन देम, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्विस टाइप अ गैमा ग्लोबुलिनेमिया। इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये किसी खाने पीने से नहीं फैलता है, अगर किसी को स्किड है तो उससे मुझे होगा, जी नहीं, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी जहां आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, इंसान के बॉडी को बाहर के जो पैथोजन से उनसे लड़ने की जो ताकत होती है, जो इम्यूनिटी है, वो कम हो चुकी है, ठीक है? ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता नहीं है। हाँ, माँ बाप से बच्चों को जा सकता है तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बट जनरली ये म्यूटेशन की वजह से होता है। सो इसके पीछे का मेन रीजन होता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट ठीक से फंक्शन नहीं करते, ठीक से डेवलप नहीं होते, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने बोला कि देर आर टोटल 9 डिफरेंट जीन्स जहां पे म्यूटेशन होने की वजह से ये स्किड हो सकता है, ओके? अब ऐसा ही एक जीन होता है जिसका नाम है एडिनोसाइन
डी अमीनेज जीन, ठीक है, एडिनोसाइन डीएमिनेज जीन एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है और इस एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से भी स्किड होता है। क्लियर? चलो वापस आते हैं टू द पॉइंट। व्हाट डू वी सी हियर? वी सी दैट स्किड जो रहेगा उसकी वजह से एंटीबॉडी ठीक से नहीं बन पाता है। सी, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, अगर बी सेल ही ठीक नहीं है तो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स भी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब बी सेल का इन्वॉल्वमेंट भी सही नहीं होगा और इम्प्रॉपर एक्टिवेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि टी सेल जो बी सेल को बोलता है भाई मदद की जरूरत है, आजा आजा आजा, वो टी हेल्पर सेल खुद बेचारा नॉन फंक्शनल था। सिंपल। नेक्स्ट, अगर एक नॉर्मल इंसान देखोगे उसके इम्यून सिस्टम के दो मेन पिलर होते हैं, एक होता है टी सेल एक होता है बी सेल। टी सेल देगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं CMI और बी सेल देगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों कंगाल हो गया इन केस ऑफ स्किड, भाई दोनों भी नहीं है तो वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए इम्यून रेस्पॉन्स क्या होगा? कम। और भाई बहुत इन्फेक्शन होंगे इसको और इसीलिए ये अपने आप को बचाना जरूरी था। तो इन लोगों को कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे, ये भी जरूरी है। तो हमने बोला देखो सबसे पहले हमको ये पता है कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होगी। कम से कम 9 ऐसे अलग अलग जीन है जिसमें म्यूटेशंस होने के चांसेस है जिसकी वजह से स्किड होगा। ठीक है, नॉर्मली इन बच्चों को एक बबल के अंदर रखा जाता है, इसलिए इस डिजीज को बबल बॉय या बबल बेबी डिजीज बोला जाता है, जहां पे जो भी विक्टिम है, जो भी सफरर है जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, वो बहुत आसानी से इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर लेता है और इसी की वजह से इनको बाहर का एयर अलाउड नहीं है, तो इनको एक बबल में रखा जाता है। ऐसा ही एक बबल बॉय है हमारा डेविड वेटर, सॉरी एक बबल बॉय था हमारा डेविड वेटर, बहुत फेमस हुआ था क्योंकि वो जब तक जिंदा था स्टराइल एनवायरनमेंट में जिंदा था। ठीक है, डेविड वेटर का फोटो भी दिखाऊंगी मैं। स्किड इज इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी और इसीलिए यहाँ पर किसी भी जिस भी स्किड पेशेंट का इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, वो इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज रहेगा या बहुत ज्यादा एबसेंट रहेगा। ये देखो ऐसे ये है हमारा डेविड वेटर। ठीक है, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाया था ना, वो है डेविड डेविड वेटर। ये आपको जो बबल दिख रहा है ना, इस बबल के अंदर ही रहेगा। इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन, CO2 सब कुछ एक्सचेंज इसी बबल में होगा। मतलब इमेजिन कर लो इसकी दुनिया बस इस बबल में ही समाई हुई है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से हम सब समाये हुए हैं फिलहाल अपने घर में, वैसे ही बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज योर स्किड, जहाँ इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि ये बाहर का सिंपल सा इकोलाई या सिंपल सा सैल्मोनेला इसको भी लड़ नहीं पाएगा, इस वजह से ये जिंदगी भर इसी बबल में रहेगा। अब सोचो जब ये इंसान इतने तकलीफ के बावजूद जिंदा रहा, मोटिवेटेड था कि नहीं मुझे जीना है, इतना छोटा बच्चा, तो हम इस लॉकडाउन में कैसे हार मान सकते, हम कैसे सोच सकते कि भाई ये कोविड की वजह से जिंदगी तबाह हो गई? नहीं, अरे नीट है भाई, अब थोड़े दिन में आ जाएगी। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अफर्मेटिव कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इस बार तो मैं नीट क्रैक करके ही रहूंगा। स्टे दैट पॉजिटिव। ठीक है, जब इतना छोटा बच्चा कर सकता है, भाई तुम तो इसकी उम्र से ट्रिपल हो, या अगर 4 साल का है तो तुम तो 12 साल से ज्यादा हो ना, फिर कैसे हार मान सकते हो? चलो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, इसलिए एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाना चाहिए। बट रिमेंबर, जनरली स्किड के जो पेशेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज मतलब 18-20 साल तक जिंदा भी नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसलिए इनका इनहेरिटेंस होना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, स्किड पेशेंट्स जनरली किससे अफेक्ट होते हैं? तो हमने बोला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, जो भी आपको आसपास में मिल जाए उसका इन्फेक्शन इनको हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत अर्ली जिंदगी के बहुत स्टार्टिंग में ही इनको लंग डिजीज होता है, क्रॉनिक डायरिया होता है और इसलिए ये जिंदा नहीं रह पाते। दे डाई एट अ वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ स्मॉल सो मेनी इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चे को सोचो, वो बच्चा अगर बबल में नहीं है तो जो एयर कान से जा रही है ना उसकी वजह से ईयर में इन्फेक्शन होगा सच एज न्यूमोसिस्टिस। जो एयर माउथ से अंदर जा रही है उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडियासिस। सोचो, देखो ये हमारे टी सेल का पॉपुलेशन और ये इनके टी सेल का पॉपुलेशन, कितना फर्क है, कैसे लड़ेगा इनका बॉडी भाई, फिर भी ये जिंदा रहते हैं उस बबल के अंदर। तो भाई हम तो अभी भी बहुत स्टैमिना रखते हैं, बहुत तेज इम्यून सिस्टम है और बहुत तेज अकल भी है,
कैसे नहीं कर पाओगे नीट, ये बताओ। नीट तो होगा ही भैया, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्रैश कोर्स है, वेदांतु है, वेदांतु नीट में डीसी है, हम हैं आपके लिए बस, ठीक है। चाहे कोई हो ना हो, हम हैं आपके लिए। चल नाउ कमिंग बैक, अगर ये अनट्रीटेड है तो ये नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से मर जाएगा, ठीक है। अगर इनका हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, तो शायद ये जिंदा रह पाए 1 साल से ज्यादा की उम्र तक, या फिर अगर इनका जीन थेरेपी हो गया तो ये 1 साल से ज्यादा की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा ही एक बच्चा है, इस बच्ची का नाम, बच्चा नहीं बच्ची, इस बच्ची का नाम है अशांति डिसिल्वा, ठीक है। ये जब 4 साल की थी ना तब तक बबल में रही, और जब इसकी उम्र हो गई 4 साल की 1990 में, तब इस पे किया गया जीन थेरेपी, और इसी जीन थेरेपी की वजह से ये आज भी जिंदा है। सोचो 1990 में 4 साल की थी भाई, आज तो ये 35 साल के आसपास है या उससे ज्यादा होगी, आज भी जिंदा है। दैट इज जीन थेरेपी, दैट इज द पावर ऑफ साइंस। और अगर आप साइंस स्टूडेंट होके अगर आप पावरफुल नहीं हो तो बेटा क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं चलेगा, बुढ़बा भौकाल मचाना है तुमको तो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या किया हमने, हमने एक नॉर्मल इंसान से एडीए जीन ले लिया, उसको बैक्टीरिया में डाल दिया, रेट्रोवायरस को बोला जा बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर ले, और रेट्रोवायरस के अंदर चला गया बैक्टीरिया का डीएनए। फिर रेट्रोवायरस यही डीएनए किसके अंदर डालेगा, वो स्किड पेशेंट के टी सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर ये टी सेल्स जो थे ना, उसमें वो एडीए जीन ठीक से काम कर रहे हैं। अब हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ये सेल्स आप स्किड पेशेंट की बॉडी में डालते जाओ, मतलब हर थोड़े टाइम बाद, मे बी आफ्टर अ वीक, आफ्टर 15 डेज, और आफ्टर अ मंथ, अशांति डिसिल्वा हॉस्पिटल जाएगी और उसको ये नॉर्मल से सेल्स दिए जाएंगे, भाई ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल है रखो। तो अब वो बिना उस बबल के नॉर्मल जिंदगी जी सकती है, सिंपल, दैट्स लाइफ, दैट्स फन, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड। So stay happy, stay tuned with Vedantu Neet Made Easy. Do not forget to like the video, share the video and subscribe the channel. Bye, bachcho.